बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने इस हफ्ते व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में शिरकत करने की पुष्टि कर दी है। प्रियंका ने ट्विटर पर इसके बारे में बताया। इससे पहले मीडिया में खबरें आ रही थी कि प्रियंका ने डिनर में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। प्रियंका चोपड़ा की शोहरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और अब वो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ डिनर में शामिल होंगी। ओबामा ने प्रियंका को डिनर का न्योता भेजा था। हर साल व्हाइट हाउस में ओबामा डिनर का एक खास प्रोग्राम रखते हैं। बराक ओबामा और वाशिंगटन में प्रथम महिला मिशेल ओबामा इस डिनर में मेजबान होंगे। ट्विटर चैट पर एक प्रशंसक को जवाब देते हुए प्रियंका ने लिखा, हाँ मैं हिस्सा लूंगी। आपको बता दें कि डिनर में विल स्मिथ, जाडा पिंकेट स्मिथ, केरी वाशिंगटन, शोडा राइम्स, किम कर्दाशिया की मॉडल बहन केंडल जेनर समेत हॉलीवुड की अन्य नामचीन हस्तियां हिस्सा लेंगी। पिछले कुछ समय से प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड की तरफ रुख किए हुए हैं, जिसका फायदा उन्हें मिलता दिखाई दे रहा है। दरअसल प्रियंका के फैन अमेरिका में भी हैं और यही कारण है कि बराक ओबामा इस अभिनेत्री के साथ डिनर करना चाहते हैं। हाल ही में प्रियंका ने दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड शो ऑस्कर के रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरे थे। प्रियंका ने एक एल्बम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की और इसके बाद उन्होंने अमेरिकी टीवी चैनल के लिए रहस्य और रोमांस से भरे शो क्वांटिको में काम करके यहाँ के लोगों के दिलों में जगह बना ली। इस शो में प्रियंका FBI एजेंट एलेक्स पेरिस की भूमिका में हैं। और इसके अलावा प्रियंका को टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल करते हुए कवर पेज पर भी जगह दी। प्रियंका एक हॉलीवुड फिल्म बेवाच में भी काम कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा की शोहरत उनकी मेहनत का ही नतीजा है और यही वजह है कि अब उनकी एंट्री व्हाइट हाउस तक हो गई है। देखते रहिए जीबी लाइव।